अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने किया कोविड केयर सेंटर का दौरा, सावधानियों के साथ एपीएमसी को चालू रखने पर जताई सहमति। ऐरोली के विधायक एवं पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने आज मुंबई के कोरोना प्रभावित कई इलाकों का दौरा किया और नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे इंतजामों का जायजा लिया। महापौर जयवंत सुतार, पूर्व महापौर सुधाकर सोनाव ने और नेत्रा सिरके के साथ उन्होंने एपीएमसी मंडी क्षेत्र और वासी सेक्टर 26 इलाके का दौरा किया और नागरिकों से संवाद के बाद अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। गणेश नाइक ने सिडको एग्जीबिशन सेंटर का भी जायजा लिया, जहां महानगर पालिका 1100 बेड का कोविड केयर सेंटर बना रही है। बता दें कि नवम्बई में कोरोना संक्रमण 1000 के पार चला गया है। इस पर चिंता जताते हुए पूर्व मंत्री ने साफ कहा कि यदि एपीएमसी में कोरोना संक्रमण को रोकने के पर्याप्त इंतजाम होते हैं तो मंडियों को चालू रखने में कोई हर्ज नहीं है। बता दें कि गणेश नाइक ने ही कोरोना खत्म होने तक एपीएमसी की मंडियों को बंद रखने की मांग की थी। आइए सुनाते हैं कि विधायक ने और क्या कहा। यहाँ पे जो रुग्ण बड़े हैं ये 1200 के करीब है, उसमें से 400 एपीएमसी से कनेक्टेड है। लेकिन जिस ढंग से शुरू में वहाँ पे व्यापार चालू हुआ, वो पूरे कोरोना के माध्यम से जो नियम दिए गए थे वो सब नियमों का उल्लंघन हुआ था। न कोई सैनिटाइजेशन था, न मास्क लोग पहनते थे, न सोशल डिस्टेंसिंग था, न उधर आने वाले लोगों की कोई रिकॉर्ड होती थी। जब हम लोगों ने एक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया, उसके बाद में 7 दिन के लिए उन्होंने रुकाया, फिर भी मैंने उनको एक पत्र लिखा कि जब तक यहाँ आने वाले व्यापारी हो, माथाड़ी हो, लेबर हो या और कोई परचेसर भी हो, ये लोगों के लिए आप लोग कौन सी सुविधा बना रहे हैं, उनको एक कोरोना का प्रादुर्भाव नहीं होगा उसके लिए आपने क्या मेजर्स लिए हैं, तो वो देखने के लिए आज हम लोग एपीएमसी के दाना बाज़ार में गए थे। उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया है और वो लोगों ने, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहा है, एपीएमसी की यंत्रणा काम करी है और व्यापारी लोगों की यंत्रणा काम करी है, सैनिटाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी चेक की जा रही है। ऐसे ढंग से बराबर कारोबार चले तो क्या दिक्कत है, उल्टा हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा। नहीं, मैंने पत्र लिखा था 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाओ, अभी ये म्यूनसिपल कमिश्नर जी मिसाल जी ने बोला कि भाई हम सिडको एग्जीबिशन सेंटर में बना रहे, तो उन्होंने शुरुआत की है। वो जनरल यानी बीमार लोगों के लिए कोई हॉस्पिटल यहाँ आज नहीं रहा है। हमने पत्र लिखा है कि भाई ये कोरोना का जो हॉस्पिटल अपना एफओबी उधर बनाए अपना वासी में, वहाँ सिर्फ इधर उनको किया जाए और वासी का हॉस्पिटल जनरल जैसा पहले था ऐसा ही रखे। इसलिए आज मेरे सब साथी लोग इधर आए, हम लोगों ने वहाँ पे पूरी इंक्वायरी की, उसका ऑब्जर्वेशन किया और उनको गति से काम करने के लिए हमने चेतावनी दी है और वो काम गति से होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। 1-8 दिन के बाद ये हॉस्पिटल यहाँ पे एक सेक्शन तो चालू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।